तो गाइस यार आज का मौसम हो रखा है बहुत ही ज्यादा अच्छा। आप देख सकते हो कितना मस्त मौसम हो रखा है और मैं यहाँ पर अपने स्विमिंग पूल में पैर डाल के एंजॉय कर रहा हूँ। कितना ज्यादा मजा आ रहा है। अरे यार एक सेकंड, मेरा फोन बज रहा है। किसका फोन आ रहा है? हेलो माइकल बोल, क्या हो गया? अरे फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन मुझे बचा ले, फ्रैंकलिन मुझे बचा ले। अरे क्या हो गया, किससे बचाऊं? फ्रैंकलिन जल्दी जाके टीवी देख, फ्रैंकलिन। माइकल, अरे क्या हो गया इसको? अरे माइकल को क्या हो गया? अरे ये क्या चल रहा है? अरे ये माइकल इतना डरावना क्यों था और इसने मुझे बोला टीवी देखने के लिए? अरे क्या हो गया, टीवी में क्या आ रहा है? और ये माइकल के फोन में से कैसी खतरनाक खतरनाक आवाज आ रही थी, मुझे तो समझ नहीं रहा क्या होगा। रुक जाओ यार, फटाफट से टीवी चालू करते, देखते यार माइकल क्यों बोल रहा था। जल्दी टीवी चालू करते हैं, क्या हो गया माइकल को? ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सैंटोस में फैल रहा है खतरनाक सा वायरस। सारे लोग मर मर के बन रहे खतरनाक वुल्फ। ये वुल्फ वायरस फैल रहा है वुल्फ के काटने की वजह से। ये वुल्फ जिनको भी काट रहे हैं वो सब के सब वुल्फ बन जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जिंदा हो तो बस छुप जाओ घर की अलमारी में, घर के बाथरूम में, जहाँ छुपना है छुप जाओ। अगर किसी भी वुल्फ ने आपको देखा तो आपको भी वो काट के बना देंगे खतरनाक सा वुल्फ। ब्रेकिंग न्यूज। अरे काइजर ये कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। लॉस सैंटोस में वायरस फैल रहा है, सभी के सभी लोग वुल्फ बनते जा रहे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और उन्होंने बोला कहीं पे भी जाके छुपने के लिए बाथरूम में छुपो, अलमारी में छुपो। अरे गाइज़र ये क्या चल रहा है, पूरे लॉस सैंटोस में वायरस फैल रहा है। इसलिए मैं सोचूं यार कोई भी गाड़ी क्यों नहीं घूम रही। आप देख सकते हो लॉस सैंटोस के सारे रोड खाली है, एक भी गाड़ी नहीं घूम रही। अरे गाइज़र ये क्या हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये कब हुआ, कैसे हुआ। एक सेकेंड, ये वो क्या चीज है? अरे काइजर ये हवा में क्या चीज उड़ रही है, ये क्या स्पेसशिप है क्या? नहीं स्पेसशिप तो नहीं लग रही, ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। एक सेकंड, ये तो किसी का घर है, पर ये हवा में क्या कर रहे हैं? अरे काइजर मुझे लगता है वो सारे वुल्फ से बचने के लिए हवा में गए थे। अरे काइजर मुझे लगता है वो सारे वुल्फ से बचने के लिए हवा में गए, मुझे भी वहां पे जाना पड़ेगा। पर मैं उनके पास कैसे जाऊं, मेरे पास कोई उड़ने वाली गाड़ी भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा उनके पास, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है अगर वो वुल्फ मेरे घर में घुस गए तो मेरा क्या होगा, मुझे उधर तक कैसे करके पहुंचना पड़ेगा। और वो देखो प्लेन भी जा रहा है, लगता है आधे लोग लॉस सैंटोस छोड़ के जा रहे हैं उस प्लेन में। मुझे उस घर तक पहुंचना पड़ेगा। रुक जाओ मेरे पास एक आईडिया है, मेरे पास अपना मैजिक बोर्ड है ना, मैजिक बोर्ड मेरी मदद करने वाला है उस घर तक पहुंचने की। पर उससे पहले मुझे मैजिक बोर्ड को ढूंढना पड़ेगा, मैंने पता नहीं उसको कहां पर रखा था, पूरे घर में ढूंढना पड़ेगा। जल्दी से उस मैजिक बोर्ड को ढूंढते हैं ताकि हम जा पाए उस हवा में उड़ने वाले घर पे, कहां पर है मैजिक बोर्ड। अरे मैंने इधर ही कहीं पे तो रखा था। अरे मिल गया, अरे कैसे मुझे मैजिक बोर्ड मिल चुका है। चलो फटाफट इसको ऊपर लेके चलते हैं और चलते हैं उस खतरनाक से उड़ने वाले घर पे। तो गाइस अभी हमारे पास मैजिक बोर्ड आ चुका है और मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ कि मैं वहाँ घर तक पहुँच सकूँ। आप देख सकते हो और वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। हेलीकॉप्टर वाले भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इधर इधर। अरे ये तो मुझे देख नहीं रहा, अरे मुझे बचा लो। अगर ये हेलीकॉप्टर वाला आ जाए तो मुझे बचा सकता है, पर ये तो खुद ही चला गया। अरे गाइस मुझे वहाँ पे कैसे भी करके पहुँचना पड़ेगा, पर मैं ऐसा क्या बनाऊँ कि मैं उधर तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाऊँ। हेलीकॉप्टर देखो मेरे को उड़ाना नहीं आता, वरना मैं हेलीकॉप्टर बना के तो जा सकता था। तो मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि इजी हो वहां पे पहुंचने में। रुक जाओ कुछ सोचने दो। अरे मेरे पेट में से आवाज आ रही है, लगता है मुझे भूख लगी है। ये क्या है, ये कहां से आ गया? अरे कैसा, ये तो वही वुल्फ है जो कि टीवी में दिखा रहे थे। ये इधर कैसे आ गया, मेरे घर पे कैसे आ गया? अरे क्या करूं, अरे कहां गया ये, मुझे लगता है चला गया। अरे कैसा लगता है मैं उससे बच चुका हूँ, वो वुल्फ तो बहुत ही खतरनाक था। ये तो इधर ही है, ले इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे ये वुल्फ तो इधर ही खड़ा था, मैंने इसको देखा ही नहीं, ये कितना खतरनाक था। अरे काइजर ये वुल्फ अगर मेरे घर के छत पे आ सकता है तो और भी वुल्फ आ सकते हैं। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं उस घर तक पहुंच पाऊँ। रुक जाओ मेरे पास एक आइडिया है। तो काइजर अब यहाँ अपने ड्रॉइंग बोर्ड पर आ चुके हैं। उस घर पे जाने के लिए मुझे चाहिए स्टेयर्स, इसलिए मैं यहाँ पे स्टेयर्स बनाने वाला हूँ और इन स्टेयर्स में चढ़ चढ़ के उस जो हवा में घर जो उड़ रहा है उस पे हम जाने वाले हैं। तो फटाफट से इस सीढ़ियों को पूरा का पूरा कम्प्लीट करते हैं क्योंकि हमें वहां तक पहुंचना है तो बहुत सारी सीढ़ियां चाहिए होगी और आगे जाके थोड़े बॉक्स भी चाहिए होंगे। तो यहाँ पे अपन थोड़े से बॉक्स बनाने वाले हैं, यहाँ पर ये बॉक्स बना देते हैं। एक सेकंड, हमारे पास बॉक्स बनाने का टूल भी तो है, हाँ ये यूज करके सही है, इससे यार बहुत सारे हम बॉक्स बना सकते हैं ताकि हम ऊपर तक पहुंच पाए। उस घर पर पहुंचेंगे तभी हम लॉस सैंटोस में सेफ रहेंगे, वरना हम कभी भी मर सकते हैं। एक काम करते हैं लैडर भी इसी से बनाते हैं, हम इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे और यहाँ पर हमारी लैडर बनना शुरू हो चुकी है। ये यहाँ पे एक और लैडर,
लेडर, एक और लेडर। इस लेडर को बहुत ही ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा ताकि हम उसको आराम से वहां तक पहुंच पाए। एक काम करते हैं, ये लेडर बना के और यहाँ पर अपन लिख देते हैं into 20, क्योंकि हमें 20 लेडर्स चाहिए। और ये हमारी ड्रॉइंग पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है और हमारे मैजिक बोर्ड से बाहर भी आ चुकी है। अभी आप देखो पूरी की पूरी सीढ़ियां हमने बना दी उस घर तक, तो जल्दी जल्दी भाग के चढ़ जाते हैं उससे पहले की कोई खतरनाक सा वुल्फ आ जाए। चलो फटाफट से चले, बचाओ। अरे कहाँ गिर गए मैं, अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं, अरे अरे बचाओ मेरे को बचाओ। अरे मैं कहाँ पर गिर गया, एक सेकंड। अरे ये तो मेरे पीछे आ रहा है, अरे भागो 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 भागो। अरे ये पागल वुल्फ का बच्चा तो मेरे पीछे बढ़ गया, मेरे को बचाओ कोई तो। अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, अरे भागो। अगर इसने मुझे काट लिया तो मैं भी वुल्फ बन जाऊंगा और मैं वुल्फ नहीं बनना चाहता। चलती चलती भागो। अरे कैसे सीढ़ियां यार थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, इसकी वजह से मैं नीचे गिर गया। पर कैसे जल्दी जल्दी भागते हैं, मुझे लगता है वो थक चुका है, यही टाइम है यहाँ से निकलने का। जल्दी जल्दी भाग के वापस से सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। जल्दी चलती चलो, मुझे नहीं लगता यार ये सीढ़ियां चढ़ सकते होंगे क्योंकि ये वुल्फ है यार, और ये जिस वुल्फ को मैंने मारा था वो अभी भी यही पे खड़ा है। चलो यार फटाफट से ऊपर चढ़ जाते हैं, इस बार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, पिछली बार तो गिर गया था, इस बार गिर नहीं सकते और हम बच गए। चलो 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 फटाफट से ऊपर चढ़ते हैं, जल्दी से मुझे उस घर तक पहुंचना पड़ेगा। जल्दी जल्दी मैं भाग के जाने वाला हूँ और यहाँ से हम गिर सकते तो आराम से चढ़ेंगे। जल्दी भागो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। ये पता नहीं कौन सा वायरस, ऐसा कौन सा वायरस होता है सारे के सारे लॉस सैंटोस के लोग यार वुल्फ बन जा रहे हैं। और गाइस सर मुझे यहाँ से लोग दिख रहे हैं, उस घर के ऊपर मुझे लोग दिख रहे हैं, यही टाइम है, जल्दी जल्दी भाग के चल जाए। और गाइस सर यहाँ पे आगे जाने के लिए मैंने यार ये पूरे पूरे डब्बों का ब्रिज बना दिया था ताकि मैं वो आराम से पहुंच सकूं। चलो चलो फटाफट से चलते हैं, जल्दी यहाँ पर आ जाओ वरना वुल्फ आ जाएंगे। मैं आ गया। अरे मेरे को क्यों मार रहे हो? अरे सॉरी सर, सॉरी सर, तुम्हें किसी वुल्फ ने काटा तो नहीं है ना? नहीं नहीं मुझे किसी वुल्फ ने काटा। अरे वो देखो तुम्हारे ब्रिज से खतरनाक सा वुल्फ भी आ रहा है, मारो उसको। इसकी तो ऐसे की तैसे ही है ले। अरे कैसे ये ब्रिज से ऊपर चढ़ के आ गया? अबे कहां से आ गया, तो निकल यहां से, नीचे गिर। और ये नीचे गिर गया। अरे कैसे ये ब्रिज से तो यहां पे आर पर है, जल्दी से ब्रिज को यहां से हटाओ। हटा हटा दो, कैसे हटो कैसे हटो, रुक जाओ मेरे पास आईडिया है। मैं इधर लगाने वाला हूं स्टिकी बॉम्ब बहुत सारे ताकि इस ब्रिज को ब्लास्ट कर सके। फटाफट से लगा देते और ये बूम। और कैसे अभी आप देख सकते हो ये ब्रिज ब्लास्ट हो चुका है, बीच में से ये टूट चुका है, तो अब वो यार खतरनाक से वुल्फ यहां पर नहीं आ पाएंगे। मुझे लगा नहीं था हमारे अलावा लॉस सैंटोस में कोई भी चिंता रहेगा, पर तुम भी चिंता हो। क्या इसका मतलब हमारे अलावा कोई नहीं बचा लॉस सैंटोस में? नहीं कोई भी नहीं बचा लॉस सैंटोस में, सिर्फ तुम, मैं और मेरा बच्चा। अरे काइजर ये क्या हो गया, पूरे लॉस सैंटोस में सभी के सभी लोग या तो मर चुके या तो वुल्फ बन चुके हैं, सिर्फ हम तीनों इस लॉस सैंटोस में जिंदा बचे, बाकी सबके सब वुल्फ बन चुके हैं। अरे अंकल अब क्या करेंगे? पापा पापा मुझे टॉफी खानी है। अरे बच्चे अभी कोई टॉफी नहीं मिलने वाली। पापा टॉफी पापा। अरे बच्चे नीचे गिर जाएगा पास बच्चा। पापा टॉफी पापा टॉफी मेरा बच्चा। अरे बच्चे संभालो, आप नीचे जाओगे तो आप भी वुल्फ बन जाओगे। मेरा बच्चा पापा टॉफी मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा। अरे अंकल अब टेंशन मत लो, वो मरा नहीं है, वो सिर्फ वुल्फ बना है। वुल्फ बना है मतलब मेरा बच्चा मर गया, मैं क्या करूँगा? पहले मेरी बीवी वुल्फ बन गई, अब मेरा बच्चा भी वुल्फ बन गया, मुझे भी वुल्फ बनना है। अरे अंकल क्या बोल रहे हो? बच्चे तुम्हें यहाँ पर अकेले रहना पड़ेगा, अब तुम्हारे वाले वतन साथियों बाय बाय। अंकल अरे कहाँ कूद गए? अरे कैसर ये क्या हो गया, वो अंकल नीचे कूद गए, उनके बच्चे के चक्कर में वो भी नीचे कूद गए, अब वो भी वुल्फ बन जाएंगे। इसका मतलब लॉस सैंटोस में सिर्फ मैं ही बचाऊँ, ये क्या हो गया, मैं क्या करूँगा इस पूरे लॉस सैंटोस में, मैं अकेला बचाऊँ। एक सेकेंड किसका फोन आ रहा है? हेलो। अरे फ्रैंकलिन तुम जिंदा हो क्या? आयरन मैन, आयरन मैन मैं जिंदा हूँ, तू कहाँ पर है? अरे फ्रैंकलिन मैं तो मेस बैंक के ऊपर हूँ, वो ही सबसे सेफ जगह है, तुम कहाँ पर हो? अरे मैं भी किसी के घर के छत के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, मुझे अपने साथ ले लो।
फ्रैंकलिन, मेरे सूट में एनर्जी नहीं बची है, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता, तुमको ही आना पड़ेगा। क्या? मुझे आना पड़ेगा? हेलो 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 फ्रैंकलिन, हेलो आयरन मैन, अरे क्या हो गया? अरे काइजर ये क्या, नेटवर्क नहीं आ रहा, मुझे लगता है सारे नेटवर्क के कनेक्शन भी टूट चुके हैं। और काइजर आयरन मैन है मेज बैंक के टावर पर जो कि जस्ट मेरे सामने, पर उसके बीच में बहुत सारे खतरनाक वुल्फ है जिनसे मुझे बचना पड़ेगा। अगर काइजर मुझे आयरन मैन के पास पहुंचना है तो सबसे पहले मुझे मेरे घर पहुंचना पड़ेगा। और ये ब्रिज भी मैंने तोड़ दिया, मैं इस ब्रिज से भी नहीं जा सकता, क्या करूं यार, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, लगता है मुझे यहाँ से जंप भी करना पड़ेगा। काइजर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ से जंप करके नीचे जाना पड़ेगा, मेरे पास पैराशूट तो है, बस होप यार वहां तक पहुंच जाए। 3 2 1 गो। बिना सोचे समझे मैंने यहाँ पे अपना पैराशूट खोल लिया है। और काइजर आराम से स्विंग करते करते हम जाने वाले अपने घर पे आराम से पहुंच जाएंगे, हमें किसी वुल्फ से लड़ाई नहीं करनी। और ये मैं पहुंच गया, अरे काइजर क्या एक खतरनाक सी लैंडिंग करी है मैंने। तो काइजर अभी वापस आ चुके अपने मैजिक बोर्ड पे, और काइजर आयरन मैन तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा आइडिया जो कि अभी मैं करने वाला हूं, उसके बाद मैं आराम से आयरन मैन तक पहुंच पाऊंगा। तो फटाफट से उसको बनाते हैं और आयरन मैन के पास चलते हैं। तो काइजर हमें पहुंचना है आयरन मैन तक, इसके लिए मैं बनाने वाला हूं एक हेलीकॉप्टर, तो मुझे चलाना नहीं आता पर ये जरूर चलाना आता है, तो इसको फटाफट से बना लेते हैं। बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज बनाने वाला हूं जिससे हम आराम से पहुंच पाएंगे आयरन मैन तक। इसका यहाँ पे स्टैंड भी हमें चाहिए, इसका हमें यहाँ पे स्टैंड भी चाहिए, चलो इसको फटाफट से बना देते हैं। और यहाँ पर एक और स्टैंड क्योंकि ये दो पैरों पर खड़ा होता है, और ये हमारा डन हो चुका है। अब फटाफट से इसका ऊपर की पूरी बॉडी हम बनाने वाले, यहाँ पर ऐसे जाएगा। अगर कैसे आपको पता है मैं क्या बनाने वाला हूँ तो फटाफट से कमेंट करके बता दो, देखते हैं सबसे अच्छा कौन गैस करता है, क्योंकि अभी तो यार किसी को पता नहीं चलने वाला पर थोड़ी देर में सभी को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अपन ये लगाएंगे, ये लगाई इसकी जॉयस्टिक जिससे ये उड़ने वाला है, तो आपको ये तो पता चल गया कि ये चीज उड़ने वाली है। अब ये क्या चीज है वो आप कमेंट करके बताओ। फटाफट से इसके यहाँ पे बूस्टर लगा देते, यहाँ से निकलेंगे खतरनाक से बूस्टर्स, और यहाँ पर भी कर देते ताकि यहाँ से भी खतरनाक से बूस्टर निकल पाए। और ये भी हमारा पूरा का पूरा डन हो चुका है। अब इसके हम यहाँ पे टैंक बनाने वाले जिनमें पूरा का पूरा बूस्टर स्टोर होने वाला है। यहाँ पर ये टैंक बन गया, यहाँ पर भी बन गया, और यहाँ पे हमारी सीट होने वाली है जहाँ पर हम बैठेंगे। और यहाँ पे बेल्ट भी जरूरी है क्योंकि बेल्ट लगाना जरूरी है वरना हवा में कभी भी गिर सकते हैं। ये हमारा हो चुका है, फटाफट से थोड़ा सा कलर कर देते हैं, ये रेड कर देते, ये भी रेड कर देते हैं, और इधर के बूस्टर हम करेंगे ब्लू, और बाकी सब थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा और ब्लैक, और लगता है हम यहाँ पे डन हो चुके हैं। तो कहे सर हमारा रॉकेट लॉन्चर बिल्कुल ढंग से बन गया है, देखते हैं रियल लाइफ में कैसा लगता है। और कहे सर हमारा ये खतरनाक सा इन्वेंशन तैयार हो चुका है, हमारा खतरनाक सा जेट पैक, फटाफट इसको पहनते हैं, चालू करते हैं और उड़ जाते हैं। तो कहे सर अभी आप देख सकते हो हम इसको पहन के उड़ चुके हैं, और मैं जाने वाला हूँ सीधा मेज बैंक पे आयरन मैन से मिलने। चलो फटाफट से चलते हैं फुल स्पीड पे, मुझे कुछ ढंग से उड़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मैं इसको क्रैश कर दूं। अगर ये जमीन पर क्रैश हुआ तो वो सारे के सारे वुल्फ मेरे पे अटैक करने वाले हैं, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो चलो फटाफट से इसको लेके चलते हैं मेज बैंक पे, थोड़ा टाइम लगेगा पर हम पहुंच जाएंगे। तो काइजर सामने मेज बैंक आ चुका है, और मैं भी अपने इस खतरनाक से जेट पैक को लेके वहां पर पहुंच चुका हूं। अब इसको फटाफट से यहां पे लैंड करा दे, और सामने मुझे आयरन मैन भी दिख चुका है, और एक और उसके साथ है, वो पता नहीं कौन है। अभी फटाफट से इसको लैंड कराते हैं, फिर हमें पता चल ही जाएगा कौन है उसके साथ। और ये हम आ गए। अरे फ्रैंकलिन तुम आ गए, आयरन मैन मैं आ गया, एक सेकंड ये तो बेबी आयरन मैन है। हाँ फ्रैंकलिन, एवेंजर्स हाउस में बहुत सारे वुल्फ्स का अटैक हुआ था, और उधर से मैं किसी भी एवेंजर को नहीं बचा पाया, सिर्फ मैं बेबी आयरन मैन को बचा पाया। क्या इसका मतलब सारे के सारे एवेंजर्स वुल्फ बन चुके हैं? हाँ फ्रैंकलिन, सारे के सारे एवेंजर्स वुल्फ बन चुके हैं। अरे ये सब हुआ कैसे मुझे तो बता। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, ये सारे के सारे वुल्फ किसी दूसरे प्लेनेट से आए, इनके प्लेनेट का पोर्टल लॉस सैंटोस में खुल चुका है, ये उसी पोर्टल में से निकल निकल के लॉस सैंटोस में फैल रहे हैं, और सारे लोगों को इन्होंने खा खा के वुल्फ बना दिया है। अरे तो चलो ना फिर उस पोर्टल को रोक देते हैं। ऐसे हम उस पोर्टल को नहीं रोक सकते, अगर हम उस पोर्टल के पास गए तो वो वुल्फ हमें कच्चा चबा जाएंगे, हमें कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही चले गए तो आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और हल्क की तरह वो हमें भी वुल्फ बना देंगे। अरे आयरन मैन हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हमें लॉस सैंटोस को वापस नॉर्मल जैसा करना ही पड़ेगा। फ्रैंकलिन मेरे पास कुछ भी आइडिया नहीं है, मेरे सूट की पावर 0 हो चुकी है, मैं इधर से उड़
उड़ के कहीं नहीं जा सकता, मैं इधर से उड़ के कहीं नहीं जा सकता, नहीं मैं अपनी पावर यूज कर सकता हूँ। रुक जा, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे घर पे एक मैजिक बोर्ड पड़ा है, उसमें हम कुछ भी ड्रॉ करते तो वो रियल लाइफ में आ जाता है। अगर उसमें एक खतरनाक सा नया आयरन मैन का सूट ड्रॉ करे, या फिर तेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करे, या फिर कुछ और एक खतरनाक ड्रॉ कर दे जिससे हम इस पूरे लॉस सैंटोस को बचा पाए, तो हमारा काम बन जाएगा। अरे फ्रैंकलिन, पहले क्यों नहीं बताया, चलो चलते हैं। अरे पर हम चलेंगे कैसे, मेरे पास तो सिर्फ एक ही जेट पैक है और उसमें भी बहुत ही कम फ्यूल बचा है। अरे फ्रैंकलिन, जैसा भी है हमें चलना तो पड़ेगा। मैं अपने बच्चे को गोदी में उठाता हूँ और तुम मुझे गोदी में उठा के चलाओ। क्या, ऐसा कैसे होगा? तो गाइज़र अभी आप देख सकते हो आयरन मैन को मैंने गोदी में उठा रखा है और आयरन मैन ने अपने बेबी आयरन मैन को, और हम जाने वाले घर पे ऐसे ही उड़ उड़ के, पता नहीं मुझे आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अरे तू तो दिखा देगा पर मेरे से बैलेंस भी नहीं हो रहा, ये तो बहुत ही ज्यादा भारी हो चुका है। अरे फ्रैंकलिन, बस थोड़ी देर और हम तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे। हां मुझे पता है मेरे घर में पहुंच जाएंगे, पर ये बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो गाइज़र इन खतरनाक से वुल्फ से बचने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है, बस अपने एक बार घर पे पहुंच जाए, उस मैजिक बोर्ड पे ऐसी खतरनाक सी चीज बनाएंगे कि हम सारे के सारे वुल्फ को इधर से भगा देंगे। और रोड के मैं बहुत ही ज्यादा पास आता जा रहा हूँ और ये सही में बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस हो रहा है। आ, 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 बचाओ मेरे को। अरे ये क्या हो रहा है? अरे फ्रैंकलिन ये क्या कर दिया? अरे मैं तो गिर गया। अरे गाइज़र ये क्या हो गया, ये जेटपैक तो खराब हो गया। अरे जेटपैक के बच्चे गलत टाइम पे खराब हो गया। अरे फ्रैंकलिन अब क्या करेंगे? अब हमें चुपचाप से छुप छुप के घर पे जाना चाहिए। फ्रैंकलिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे देखो वुल्फ आ रहा है। अरे ये तो वुल्फ इस तरफ ही आ रहा है। अरे भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। अरे हमें इनसे वुल्फ से दूर जाना पड़ेगा। जल्दी भागो आयरन मैन, बेबी आयरन मैन, वरना तुम उसका खाना बन जाओगे। अरे जल्दी भागो फ्रैंकलिन, जल्दी भागो। अरे भागो भागो, वो पीछे दो दो वुल्फ भाग के आ रहे। अरे गाइज़र हमारी तो ऐसी की तेजी होने वाली है, ये दो दो पीछे हमारे वुल्फ भाग के आ रहे और मेरा घर अभी भी बहुत ही ज्यादा दूर है। जल्दी भागो आयरन मैन। अरे मैं भाग रहा हूँ मेरे बच्चे, और तेज भाग। ओके पापा। तो गाइज़र हमें जल्दी से जल्दी मेरे घर पे पहुँचना पड़ेगा। सामने अपने घर का रास्ता है पर हमारे पीछे बहुत सारे वुल्फ पड़े हुए। रुक जाओ, हमें कहीं पे छुपना पड़ेगा, हम ऐसे डायरेक्ट अपने घर पे नहीं जा सकते। तो गाइज़र अभी हम यहाँ पे छुपने वाले। आयरन मैन, बेबी आयरन मैन, जल्दी आओ, हम यहाँ पे छुपेंगे, जल्दी आ जाओ। अरे फ्रैंकलिन हम मर तो नहीं जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी तुम बस मेरे पीछे पीछे आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला हमें। अरे मैं तो आ गया, पापा कहाँ चले गए? आयरन मैन, अरे आयरन मैन कहाँ चला गया? मुझे बचाओ फ्रैंकलिन। अरे गाइज़र ये क्या, चारों तरफ से घेर लिया आयरन मैन को तो वुल्फ ने। आयरन मैन जल्दी ऊपर आ जा। फ्रैंकलिन मुझे नहीं लगता मैं वापस आ पाऊंगा, तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना। ये लो वुल्फ के बच्चों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बचाओ। अरे मेरे पापा के साथ क्या हो गया? बच्चे तेरे पापा भी वुल्फ बन गए, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी मेरे पीछे पीछे। अरे गाइज़र ये क्या हो गया, आयरन मैन भी वुल्फ बन गया। वो अभी दो मिनट पहले मेरे साथ था, अभी वो वुल्फ बन चुका है, पर आयरन मैन का बच्चा मेरे साथ है, तो हमें मेरे घर पहुंचना पड़ेगा और उसको साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो गाइज़र अभी इस बच्चे को मेरे गोदी में ले रही, क्योंकि इससे जल्दी भागा नहीं जा रहा था, और मेरे पीछे देखो चार चार वुल्फ भाग रहे, मुझे फुल स्पीड में भागना चाहिए। अंकल जल्दी भागो वरना वो हमें खा जाएंगे। अरे हाँ बच्चे मुझे पता है वो हमें खा जाएंगे, मुझे जल्दी जल्दी भागना चाहिए। अरे गाइज़र ये वुल्फ तो मेरे पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ के भी आ रहे, मुझे अपने घर पे पहुंचना पड़ेगा, मेरा घर अभी भी बहुत दूर है और ये वुल्फ मेरे पीछे पीछे आ रहे। अंकल भागो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंकल जल्दी भागो, जल्दी भागो। अरे बच्चे तू टेंशन मत ले, हमें कुछ नहीं होगा। अरे गाइज़र वो वुल्फ थोड़ा सा पीछे छूट गए, तो जल्दी जल्दी मुझे भागना चाहिए और मेरा सामने घर आ चुका है। जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो। तो गाइज़र अभी हम अपने घर पे आ गए, जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते क्योंकि वो मैजिक बोर्ड ऊपर ही पड़ा है और सामने पड़ा अपना मैजिक बोर्ड, जल्दी से उसको यूज करते हैं। अंकल हम बच गए। बच्चे हम बच तो गए पर ज्यादा देर के लिए नहीं, वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हम उनको हरा पाए। लगता है वो बहुत ही पास आ चुके। क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं? अंकल अंकल मैं कुछ बनाऊं क्या? हाँ तेरे पास कोई आइडिया तो फटाफट से बना दे। ओके अंकल अभी बनाता हूँ। तो गाइज़र अभी देखते हैं ये बच्चा क्या बनाने वाला है। अरे अंकल आप बस देखते रहो मैं क्या बनाने वाला हूँ, हम दोनों को ये बहुत ही सादा काम आने वाला है। क्या दोनों को? अच्छा देखते हैं ऐसा तो क्या बनाने वाला है कि हम दोनों को काम आने वाला है। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज होगी जो कि हम दोनों को काम आएगी, देखते ही ये करने वाला है। अरे अंकल सारे के सारे फुल भाग जाएंगे, बस देखते रहो, बस देखते रहो। हाँ बच्चे मैं देख रहा हूँ, तू बना तो ले। तो गाइज़र पता नहीं क्या बना रहा है यार, कुछ ऐसा खतरनाक सा बना दे जिससे हम सारे के सारे वुल्फ्स को हरा दे। जल्दी बना बच्चे। अरे अंकल आप टेंशन
डायमेंशन मतलब बस बनने वाला है, ये 3, ये 2 और ये 1 बन गया। रुक जाओ अंकल, बस थोड़ा सा कलर करना बाकी है, फिर इसको मैं बना देता हूँ। ये कलर कर देता हूँ यहाँ पर, और बर्गर में भी कलर चाहिए। क्या बर्गर? अरे तू बर्गर बना रहा है यहाँ बैठ के? ये लो अंकल, बन गया। अरे ये क्या, ये तो बर्गर है। क्या बर्गर फेंक के पका उसको? अरे नहीं अंकल, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही थी ना, इसलिए मैंने बर्गर बना लिए। अरे बच्चे, तेरे खाने के चक्कर में हम उन वुल्स का खाना बन जाएंगे, बस मुझे देखते रहना कहीं वो वुल्स ऊपर चढ़ के ना जाए। अरे अंकल, बिना खाए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, आप भी थोड़ा खा लो। बात तो सही है, भूख तो मुझे भी लग रही है। चलो फटाफट से खा लेते हैं इसको, फिर कुछ बनाएंगे। बढ़िया बर्गर है। अरे बच्चे तू बर्गर खा, मैं कुछ बनाता हूँ। तो कैसर, मुझे कुछ खतरनाक सा बनाना पड़ेगा ताकि मैं सारे के सारे वुल्स को हरा पाए। लगता है वो बहुत ही ज्यादा पास आते जा रहे हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। चलो कैसर, फटाफट से बनाते हैं उस खतरनाक सी चीज को। तो कैसर, इस बच्चे ने तो पता नहीं क्या बना दिया, अब सारा का सारा प्रेशर मेरे पे है। मुझे कुछ ऐसा खतरनाक बनाना पड़ेगा जिससे मैं उन सारे के सारे वुल्फ को हरा सकूं। और मुझे लगता है मैं क्या बनाने वाला हूं, मुझे पता चल चुका है। फटाफट से वो खतरनाक सी चीज बनाते हैं जिससे मैं इन सारे के सारे वुल्फ को हरा पाएंगे और इनको वापिस से घर भेज पाएंगे। चलो इसको फटाफट से बना लेते हैं। इसको यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। कैसर ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, आप जैसे ही देखोगे आपको लगेगा कि ये क्या बना डाला। ऐसी चीज आपने कभी नहीं देखी होगी। इसकी यहाँ पे नाक बनाएंगे और इसका एक बड़ा सा मुंह बनाने वाले जिसमें होंगे खतरनाक खतरनाक दांत जो कि उन सारे वुल्फ को खा जाएंगे। मतलब सही में खाने नहीं वालों, मैं ऐसे खतरनाक दिखने के लिए बना रहा हूँ। और यहाँ पे होगी इसकी खतरनाक खतरनाक आंखें। ये खतरनाक तो नहीं लग रहा, थोड़ा कार्टून वाला लग रहा है, पर कार्टून वाला नहीं लगेगा। एंड में आप देखना कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये। यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्सचर देंगे इसके मुंह के अंदर ताकि और भी खतरनाक लगे। और इसकी बॉडी तो इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली, आप देख के बिल्कुल हैरान होने वाले हो। इसको यहाँ पर ऐसा करेंगे और इसके यहाँ पे अंगुलियां बनाएंगे और बाकी की पूरी बॉडी कंप्लीट करते हैं। और सबसे खतरनाक चीज हम बनाने वाले, मुझे बताइए, आराम से उन सारे के सारे वुल्फ्स को हराने वाला है, क्योंकि ये उन सबका पापा बनने वाला है, क्योंकि ये सही में बहुत ही खतरनाक वुल्फ बनने वाला है। चलो मैंने आपको इतना तो बता ही दिया कि उसको वुल्फ बनाने वाला हूँ, तो अब देखते रहो कितना खतरनाक वुल्फ ये बनने वाला है। इधर इसकी सारी की सारी पावर होने वाली है, तो इसको अपन थोड़ा ऐसे कर देते ताकि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने वाली है। इसको ऐसे कर देंगे, इसको यहाँ पर ऐसे, और ये हो गया। और इसको हम बीच में से इरेज करने वाले ताकि एक ही बारी में सब में कलर हो जाए। बहुत ही ज्यादा इजी तरीका कलर करने का। और इसको भी फटाफट से यहाँ पे भी ऐसा कर देते, यहाँ पर इसको ऐसे, इसको ऐसे। तो अब बारी इसकी पूरी की पूरी बॉडी बनाने की। आप देख सकते हो इसकी बॉडी कितनी खतरनाक होने वाली, क्योंकि इसके पास है 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, पूरे के पूरे 8-pack abs और इसके बन चुकी है। और इसके यहाँ पे जीन्स बना देते हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी जीन्स हमने बना दिए, पैर नीचे अपने आप बन जाएंगे। और इसके शरीर पे है बहुत सारे बाल, क्योंकि है वुल्फ का बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला प्राणी। अब इसको फटाफट से कलर करते हैं और बनाते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल। अभी आप देख सकते हो हमने इसको कर दिया है। इसका मुंह होगा अंदर से पूरा का पूरा रेड, इसको रेड कर देते हैं। और इसके दांत होने वाले पूरे के पूरे व्हाइट, और ब्लू कलर की होगी इसकी आंखें, तो इसको आंखें को ब्लू कर देते हैं। ये वाला ब्लू ज्यादा अच्छा लगेगा। आंखें हमने यहाँ पर ब्लू कर दी है। और गाइस मुझे एक और चीज करनी है, इसके शरीर को और आधे में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे होने वाला थोड़ा ज्यादा ही डार्क कलर। और इधर से भी कर देते हैं उसी सेम चीज को, यहाँ पे ऐसे करेंगे क्योंकि यहाँ पे होने वाला है थोड़ा डार्क, यहाँ पे होने वाला है डार्क कलर, और यहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क होगा, और इधर लाइट लाइट करेंगे ताकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगे। और इसके एब्स हम करने वाले लाइट ब्लू कलर के। सोचो यार पूरी की पूरी बॉडी कैसे रंग बिरंगा कर दिया है। और इसका मेन पावर सोर्स जो कि होने वाला है इसके हाथ, जो कि होने वाले पूरे ब्लू कलर के, और इस पे हम व्हाइट व्हाइट लाइनें मारने वाले ताकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगेगी। इसकी सारी की सारी पावर्स इन हाथों में, जिससे वो सारे के सारे वुल्फ्स को इस लॉस सेंटोस से भगाने वाला है। तो गाइस सर, मुझे तो बहुत खतरनाक लग रहा है। अब बढ़ाएंगे हम इसकी पावर, यहाँ पर हम लिखेंगे POWER पावर इनटू 100। इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। चलो फटाफट से इसको बना देते हैं। और गाइस सर, अभी आप देख सकते हो मेरा पूरा का पूरा वुल्फ बन चुका है। मैंने बना दिया है उनसे भी एक खतरनाक सा वुल्फ, और अब मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। सारे के सारे वुल्फ के बच्चों, इतनी देर से हमें परेशान कर रखा है, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? अब देखो ये कैसे कैसे भाग रहे हैं। रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये ले, निकलो ऐसे। इन दोनों को
यहाँ से फेंकते हैं, तू निकल यहाँ से। इनमें से किसी को भी नहीं मैं छोड़ने वाला, तू रुक जा, तू कहाँ जा रही है? एक और यहाँ पे भागा था ना, तू भी रुक जा, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, निकल जा यहाँ से। तुमने मुझे बहुत ही परेशान कर लिया, अब इनमें से कोई नहीं बचेगा, तू कहाँ रुक जा ये ले। तू कहाँ जा रहा? अब देख लो कितने सारे वुल्फ भागते हुए जा रहे हैं, तुम में से कोई नहीं बचने वाला। ये लो पत्थर खाओ, ये देखो उस तरफ भागने लग गए, ये लो कैच करो। उल्के बच्चा रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले इसको मारूंगा। या इनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाला, इन सारे वुल्फ की ऐसे की तैसी। या ये लो, एक सेकंड, मैंने क्यों मार रहा हूँ? अरे काइजर मैंने क्यों मार रहा हूँ, ये तो इंसान है, इनको तो वुल्फ ने काट लिया इसलिए ये वुल्फ बन गए। मुझे जाके वो मेन पोर्टल बंद करना पड़ेगा जहाँ से ये सारे के सारे वुल्फ आ रहे हैं। जिस प्लेनेट से ये आ रहे उनका पोर्टल मुझे बंद करना पड़ेगा ताकि ये सब रुक सके, इसलिए मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। चलो काइजर फटाफट चलते उस पोर्टल को बंद करते, क्योंकि जब तक वो पोर्टल बंद नहीं होगा तब तक ये वुल्फ आना बंद नहीं होने वाले, इसलिए मुझे उसको जल्दी जल्दी पोर्टल को बंद करना पड़ेगा। तो काइजर मैं वहां पर आ चुका हूँ जहाँ पे इनका पोर्टल, और आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे वुल्फ हैं। तुम वुल्फ की ऐसे की तैसे, ये लो पत्थर खाओ। इसके पोर्टल को मुझे रोकना पड़ेगा, उसके लिए पहले इन सारे वुल्फ को मारना पड़ेगा, इनकी ऐसे की तैसी। मैं इनको बिल्कुल भी छोड़ने वाला, इन्होंने पूरे लॉस सैंटोस को बहुत ही परेशान कर लिया, पर अब मैं इन्हें परेशान करने वाला हूँ। ये लो एक भी वुल्फ नहीं बचने वाला, लॉस सैंटोस से सारे के सारे वुल्फ यहाँ से जाने वाले, क्योंकि उस पोर्टल को मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। ये रहा वो पोर्टल जिसकी वजह से सब हो रहा है, और इसको हम करने वाले हैं डिस्ट्रॉय। क्या आप तैयार हो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए? या अरे अब ये कौन है? अरे कैसा, एक सेकंड, ये वुल्फ का बच्चा एक और बच गया, इधर आ, तेरी तो ऐसी की तैसी, ये एक कैसे बच गया? इसको भी खत्म करते ताकि लॉस सैंटोस में एक भी वुल्फ ना रहे। अरे भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है, ये बाकी सारे वुल्फ से बहुत ही ताकतवर है। अरे ये तो बहुत ही तेज मार रहा है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। अरे कैसे, मैंने सोचा ये वुल्फ बहुत ही कमजोर होंगे मेरे सामने, पर ये सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर मेरे से ज्यादा नहीं। ये ले मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, निकल यहां से, इसको मारूंगा पत्थर कैच कर। अरे कहां चला गया ये? आ बचाओ। अरे ये तो सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये बाकी वुल्फ जैसा नहीं है, ये सही में बहुत ही पावरफुल है। एक सेकंड, हो सकता है ये हल्क वुल्फ हो, क्योंकि उन सारे वुल्फ ने हल्क को भी काट लिया था और हल्क भी फिर वुल्फ बन गया था। मतलब हल्क की सारी पावर इस वुल्फ के अंदर चली गई है, पक्का ये हल्क वुल्फ ही होगा, तो इसको खत्म करना तो बहुत ही जरूरी है। रुक जाओ, मुझे पता है हल्क को किससे सबसे ज्यादा नफरत है, मैं इस वुल्फ को उधर ही लेके जाने वाला हूँ, फटाफट से इसको लेके चलते हैं। अगर गाइस आप समझ गए मैं इसको कहाँ लेके जाने वाला हूँ तो फटाफट दो, क्योंकि मैं इसको लेके आ चुका हूँ पानी में। हल्क को पानी वाला बिल्कुल पसंद नहीं है, हम इसको लेके जाएंगे पानी में, डिबो डिबो के मारेंगे। ये गया पानी के अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये ले इसकी तो काट। तो गाइस हमने इसको भी हरा दिया है, ये वुल्फ सबसे ज्यादा खतरनाक था, पर ये हल्क वाला वुल्फ था इसलिए हमने उसको पानी में डाल दिया, और पानी में उसको जाना बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए हमने उसको आराम से हरा दिया है। तो काइजर अब बारी आ चुकी है इस पूरे के पूरे पोर्टल को तोड़ने की, क्या आप तैयार हो इस पोर्टल को तोड़ने के लिए? और ये आखिरी पत्थर हम मारने वाले, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये ले। और काइजर हमने पोर्टल खत्म कर दिया, पोर्टल को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिरकार हमने लॉस सैंटोस को बचा लिया वुल्फ्स के अटैक से। तो काइजर आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं चलेगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। सारे के सारे लॉस सैंटोस वासी पहले जैसा नॉर्मल हो जाएंगे, और गाइजर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके जाना फॉलो कर लेना, और गाइजर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।